हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अभी आप सभी के सामने ये एप्लीकेशन हो रहा होगा, पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से ही अब आयुष्मान कार्ड बनेंगे। इस एप्लीकेशन में बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं, जिसके बारे में मेरे द्वारा डिस्कस किया जाएगा, और कैसे आपको आईडी मिलेगा, कैसे आपको आईडी एक्टिवेट करना है, इसके बारे में मेरे द्वारा विस्तार से बताया जाएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले दो और एप्लीकेशन मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना होगा। पहला है आरडी सर्विस, जो डिवाइस आप यूज करेंगे मॉर्फो आरडी सर्विस, ये डाल लेना है आपको। दूसरा सॉफ्टवेयर है आधार फेस आर्ड, ये एप्लीकेशन आपको डाल लेना है। ये मोबाइल में एप्लीकेशन शो नहीं होगा, आप सर्च करेंगे यहाँ पे आके प्ले स्टोर में तो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है पीएमजे। इंस्टॉल करने के बाद आप ये एप्लीकेशन खोलना है, परमिशन मांगेगा, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी की जगह पे ऑपरेटर सिलेक्ट करना है। ऑपरेटर में यहाँ पे आके आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो फेस से कर सकते हैं, मोबाइल ओटीपी के द्वारा कर सकते हैं, ओटीपी से ही करें। अभी ले लिया ओटीपी, गया ओटीपी, आ गया हमारे नंबर पे, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, वेरीफाई ओटीपी। अब ओटीपी वेरीफाई हो गया, उसके बाद ऑपरेटर पे एक और ओटीपी आएगा, देखिए एक ओटीपी आ गया। सिंपल, आपको वो ओटीपी फिर डालना है। आपको ये ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपकी आईडी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपकी मोबाइल में आपकी आईडी बन गई। मोबाइल में आईडी बनने के बाद आप सर्च बेनिफिशियरी पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद किसी का भी अपने ग्राम पंचायत का राशन कार्ड ले लीजिए। फैमिली आईडी में राशन कार्ड से जब भी आपको चेक करना हो तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे फैमिली सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डालना है। आप गेट डिटेल पे कर दीजिए। गेट डिटेल पे करते ही इनके यहाँ इतने नाम है, किसी के कार्ड नहीं बने। अब यहाँ पे उनका आधार आ गया, यहाँ पे फेस के द्वारा बनाना है आपको, तो फेस पे सबमिट कर दीजिए। अब ये इंटरफेस आ गया, इसमें उनका फोटो लेना है, फोटो लेके क्लिक कर दीजिए, फोटो सबमिट हो जाएगा। फोटो सबमिट होने के बाद आपको मोबाइल ओटीपी के, मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना है। उनका फिंगर लेने के बाद सक्सेसफुल केवाईसी कंप्लीट लिख के आएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है आपको। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद उनका डिटेल फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक और उसके बाद ग्राम पंचायत, गाँव का नाम, के बाद उनका एक फोटो लेकर सबमिट करेंगे। उसके बाद लिख के आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली विथ रेफरेंस नंबर, डाउनलोड योर कार्ड सोन। बैक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास और है कि यहाँ से अर्बन का बना रहे तो अर्बन सिलेक्ट कर लीजिए, रूलर का बना रहे रूलर पे, स्टेट में आके उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लीजिए। रूलर सिलेक्ट किया और उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करने के बाद व्यू लिस्ट पे क्लिक करिए, पूरे गांव का नाम शो हो जाएगा। अब इसमें जिसका हमें बनाना है उनका नाम लिखा है, उनके पिता का नाम लिखा है, उनका डीओ भी लिखा है, उनको बुलाइए, अब इनका बनाना है। गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि डेस्कटॉप पे कैसे बनाएं, ये आईडी कैसे काम करेगा डेस्कटॉप पे। अगर आपको सीखना है तो कमेंट करें, कल वो भी वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो में फुल प्रोसेस में आएगा और कैसे आप कंप्यूटर से फेस के द्वारा बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड, उसके बारे में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।